अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को और उनके चाहने वाले रावजियों नीम रावजियों को एक मुगालता ये लगा है कि हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत में कुछ है ही नहीं, और वो यही बातें बरमला हर जगह करते हुए नज़र आते हैं। यही बात है कि कैसेट में एक चीज़ भर दी गई है, वही चलता रहता है। ना उन्होंने कभी तहकीक की, ना इन्होंने कभी तहकीक की, और मिर्ज़ा में तो है ही बुग़्ज़े साहबा। वो तो बेचारा बुग़्ज़े साहबा का मारा हुआ आदमी है। वो कुछ मिलता नहीं कि साहबा पे बुग़्ज़ कहाँ से निकालें, तो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पर बात करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में, आपकी फजीलत में तो क़ुरान की आयात ही काफ़ी हैं। हदीस में फ़ज़ाइल तो बहुत बात की बात है, और हदीसों से फजीलतें निकाल के सिहा सित्ता से मैंने इन्हें दिखाई तो इनके चाहने वाले कहने लगे जी वो हदीस ज़ईफ़ है, हालांकि इमाम तिर्मिज़ी ने उसको ज़ईफ़ नहीं लिखा। चलो अगर आपके मानने को ज़ईफ़ भी मान लेते हैं तो भाई फजीलत में तो ज़ईफ़ भी हुज्जत होती है। ये आपको किस मुहद्दिस ने पाठ पढ़ाया है कि फजीलत में भी दर्जा सही की रिवायत चाहिए होती है? अजीब लोग हैं, ख़ुद किसी की फजीलत बयान करें तो उसमें तो ज़ईफ़ भी ले लेते हैं, और जिससे बुग़्ज़ है उसके लिए कहते हैं सही से कम मानते नहीं। हालांकि वो जिस हदीस के ऊपर तिर्मिज़ी शरीफ की कहते हैं कि जी ये हम ये वो एक आध मुहद्दिस जो इनकी मर्ज़ी का इनको मिल जाता है ना, उसे पकड़ लेते हैं, दूसरे मुहद्दिसीन की तरफ कान भी नहीं धरते। दूसरे मुहद्दिसीन की तहकीक ला के बता दो, कहते नहीं नहीं उसने तो ज़ईफ़ कहा है ना, लेकिन इन्होंने तो सही कहा है ना। नहीं 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 जी, तो चट भी मेरी पट भी मेरी, हर तरफ से बस मेरी मेरी, क्योंकि अंदर क्या है, अंदर है कीना, अंदर है बुग्स। भाई कुरान करीम उठा के देखो ना, कुरान करीम में सूरह तौबा ही काफ़ी है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। और मुहाजरीन और अंसार में से ईमान में पहल करने वाले और सबकत ले जाने वाले, यानी कि सीनियर साहबा, और फिर इन पहल करने वालों की जिन्होंने अच्छे तरीक़े से पैरवी की, यानी कि जूनियर साहबा, दोनों से अल्लाह राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। यानी अल्लाह कहे मैं इनसे राज़ी हूँ और वो अल्लाह से राज़ी हों, और इस इंजीनियर को तकलीफ़ हो, तो फिर इस तकलीफ़ का इलाज तो कुरान बता रहा है। अब ये कुरान की भी नहीं मानता तो फिर ये अपना ईमान चेक कराए भाई, इसको और इसके चाहने वालों को अपने ईमान चेक करवाने चाहिए कि अगर आप कुरान की ना माने तो आप तो दीन से ही बाहर हो गए, आप तो मुसलमान ही नहीं रहे अगर आप कुरान की किसी आयत का इनकार कर दें, किसी लफ्ज़ का इनकार कर दें। लेकिन वही है कि मैं ना मानूं, नहीं जी इसका मतलब वो नहीं है, ये तो नहीं कहते कि नहीं मानते, क्योंकि फिर तो खारिजुल इस्लाम हो जाएंगे ना, काफिर हो जाएंगे। कहते जी मतलब वो नहीं है, मतलब वही है जो इनकी समझ शरीफ में आया है 1450 साल के बाद, वो मतलब है। हालांकि मतलब बड़ा वाज़े है, थोड़ी बहुत भी अरबी आती हो ना अगर, तो रदी अल्लाह अन्हु व रदुआन का मतलब वही निकलता है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदुआन का मतलब वही निकलता है कि अल्लाह उनसे राज़ी व अल्लाह से राज़ी। तो जब अल्लाह राज़ी तो आपको क्या तकलीफ़ है भाई, इसका मतलब है आप हक़ जानना ही नहीं चाहते, आपके अंदर बुग़्ज़ है, आपके अंदर दिल में बीमारी है, आपको साहबा से कोई पर्सनल तकलीफ़ है जिसका आप बरमला इजहार करते रहते हैं। कभी इंजीनियर साहब कहते हैं जी तुम फ़ोन पे कुरान पढ़ते हो तुम्हें साहबा से ज़्यादा सवाब मिलता है, वो भाई इस बात की सनद लेके आओ। मेरे प्यारे नबी तो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम उहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च कर दो अल्लाह की राह में, और सहाबी का थोड़ा किया खर्च किया हुआ सोना उसके बराबर भी पहुंच नहीं सकते। तुम सहाबी की फजीलत की क्या बात करते हो, खैरुल क़ुरून क़र्नी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, और इंजीनियर साहब ने खींच तान के सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम में 300 साल खींच लिए, 300 साल, क्योंकि अपनी मर्ज़ी थी ना, अपनी मर्ज़ी में टाइम फ्रेम जहाँ चाहे बढ़ा देते हैं जहाँ चाहे कम कर देते हैं, मर्ज़ी के मालिक हैं, सुनते तो है नहीं किसी की, तो खुद सर हैं।
बारह कुरान बड़ा वाज़े, अल्लाह ताला क्या कहता है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए मैंने इनाम तैयार कर रखा है, जन्नात जन्नतें तैयार कर रखी हैं, जिनके दामन में नहरें बहती हैं और वो इन बागात में हमेशा रहेंगे, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह कामयाबी की खुशखबरी सुना रहा है अपने नबी के सहाबा को, इनको तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ का इलाज कोई है नहीं है जी, शक का इलाज शुबे का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, और इन पे तो बुख्स की बीमारी है, बुख्स की बीमारी के मारे हुए हैं, ना कुरान पढ़ा है ना हदीस पढ़ी है, और हदीसें भी पढ़ते हैं तो अपने मानी निकालते हैं, ख़ुद कुरान भी पढ़ते हैं तो अपने माने खुद निकालते हैं। अच्छा आ जाएँ जी सूरह हदीद में, आ जाएँ जी सूरह हदीद में, मेरा रब क्या फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्ल अल-फतह व क़ातल उलाइका अज़म दरजतन मिन अल्लज़ीन अनफक़ू أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير। गौर से सुनना, ये आयत तुम्हें आधी आधी सुनाते हैं, वो जिनके दिल में बुग़्ज़ सहाबा हो ना, ये पूरी आयत नहीं पढ़ के सुनाते कभी तुम्हें, वो तुम्हें पता है कहाँ तक सुनाते हैं, वो तुम्हें इतना सुनाते हैं, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्ल अल-फतह व क़ातल उलाइक अअज़म दरजतन मिन अल्लज़ीन अनफक़ू मिन बाद व क़ातलू। इतनी सुनाएंगे ये आयत तुम्हें, पूरी नहीं सुनाएंगे क्योंकि दिल में बुग़्ज़ सहाबा है। इस आयत का यहाँ तक क्या मतलब निकलता है, तुम में से वो लोग जिन्होंने फ़तेह मक्का से पहले जिहाद व क़िताल किया और अल्लाह के रास्ते में इन्फाक़ किया, तो वो उनके बराबर नहीं है कि जिन्होंने फ़तेह मक्का के बाद जिहाद व क़िताल किया और अल्लाह के रास्ते में इन्फाक़ किया, और जिन्होंने फ़तेह मक्का से पहले जिहाद व क़िताल किया और अल्लाह के रास्ते में इन्फाक़ किया, तो वो उनसे दर्जे में अफजल हैं। बस इतनी इतनी बात बताएँगे आपको अक्सर, ना आपने कभी तकलीफ़ की है बाकी पढ़ने की, और वो तो आपको वैसे भी नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो बुग़्ज़ सहाबा के मारे हैं, नीम रावजी हैं या रावजी हैं या इंजीनियरिंग वाले लोग हैं। ये आखिरी आयत पूरी पढ़ें ज़रा, तर्जुमा क्या है इसका, तर्जुमा है वकुल्लं वअदल्लाहुल हुस्ना, इन सब से अल्लाह ने वादा किया है। किस चीज़ का वादा किया है, इन सब से किस चीज़ का वादा किया, हुस्ना का वादा किया है, हुस्ना क्या है, जन्नत का वादा किया है। भाई आपको तकलीफ़ हो तो होती रहे, अल्लाह ने तो अपने प्यारे नबी के सहाबा से वादा किया है, आपने कुरान ही नहीं पढ़ा तो अब हम क्या करें, हदीस पे तो बाद में बात करेंगे भाई, ये तो कुरान से मैं बता रहा हूँ, फिर हदीस से भी बता देंगे किसी दर्स में, पहले भी एक आध दर्स में बता चुके हैं, इंशाल्लाह और भी बता देंगे, बहुत सारी हदीस हैं, अभी तो कुरान ही काफ़ी है, हदीस में तफसील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि कुरान ही कहता है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अलबत्ता अल्लाह ने दोनों से जन्नत का वादा कर रखा है और अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है ये जो मेरे नबी के सहाबा हैं तुम लोग, तुम्हारे अंदर बाहर चेक कर चुका है, इसलिए तुम्हें जन्नत का वादा दिया है, हर एक को नहीं दिया। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत मुआविया ने फ़तेह मक्का के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर कुफार से जिहाद क़िताल किया और इन्फाक भी किया, क्योंकि ताइफ़ हुई जंग हुनैन, ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा ताइफ़ की जंगों में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की तरफ से शरीक थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में आपको शाम का गवर्नर लगाया था, और आपके हाथों बहुत से इलाके फतह हुए, लिहाजा आपकी फजीलत तो कुरान मजीद के उमूम से साबित हो गई। हदीस मुबारक पे तो मैं शायद अगले दरस में आऊँगा, इनके लिए तो इतना ही काफ़ी है, फिर बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला हदीस से, ताकि ये इंजीनियर मिर्ज़ा और इनके चाहने वालों को फिर हदीस की भी ज़र्ब लगे जहाँ कुरान से भी ज़र्ब लगी है, इस पर भी आके डिसलाइक करेंगे, लेकिन वो इससे इन लोगों की हैसियत पता चलती है कि ये अपने अंदर कितना बुग्ज़ रखते हैं और ये हक़ के मुतलाशी नहीं हैं, ये सिर्फ़ नफ्स परस्त लोग हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।